हाय गाइस नमस्ते। सो आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं रिज्यूमे या सीवी की। तो आप लोगों ने सभी ने मतलब रिज्यूमे में काफ़ी सारी चीज़ें एडिट की हुई हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा तो सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होता। देखिए सीवी में मेरे हिसाब से लगता है ना, ये जो आपने जब सबसे ऊपर जो डाल रखा है करियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, विजन मिशन, बस इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस हैं और आप कहीं काम कर रहे हैं तो बस आपको ये ऑब्जेक्टिव वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव, विजन, मिशन, हॉबीज़, ये आप रिक्रूटर को फेस टू फेस भी बता सकते हैं। इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिक्रूटर को। रिक्रूटर को फ़र्क पड़ता है जो आप एक्सपीरियंस के नीचे जो जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालते हैं ना, उससे फ़र्क पड़ता है रिक्रूटर को कि आप अभी क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आप अभी एक वेयरहाउस मैनेजर हैं। अब वेयरहाउस मैनेजर क्या करता है, उसका एक वेयरहाउस होता है, उस वेयरहाउस का साइज़ कितना है, उसके साथ लोग कितने काम करते हैं, वो कौन सा सॉफ्टवेयर चलाता है, वहाँ पे वो कौन कौन से SOP फॉलो करता है, वहाँ पे उसकी क्या क्या अचीवमेंट है, उसको अगर कंपनी में कोई अवार्ड मिला है तो वो कौन सा मिला है, ठीक है, वहाँ पे उसका मतलब जो वो काम करता है, आपको समझने की कोशिश करो। CV में वो चीज़ें लिखो जो आप करते हो, जो दूसरे से कॉपी पेस्ट है वो मत लिखो, वो काम नहीं करेंगी। अब हम 2023 में बैठे हैं, यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ काम करेंगी जो आपका रियल एक्सपीरियंस है, जो आप काम करते हो। मान लेते हैं आपने सबसे ऊपर एजुकेशन लिख दिया, उसके बाद आपने एक्सपीरियंस लिख दिया। एक्सपीरियंस में आपने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ यहीं से फ्रेंड से कॉपी पेस्ट करके लिख दिया, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। करियर ऑब्जेक्टिव का वो क्या करेगा, आप पायलट बनना चाहते थे, आप कुछ और बन गए, आप क्या कहते हैं एक्टर बनना चाहते थे, आप नहीं बन पाए, तो वो उससे उसको क्या मतलब है। उसको तो ये मतलब है कि उसकी जो काम उसको दिया गया, जो पोजीशन पे वो काम कर रहा है, उसको वो पोजीशन जल्दी से जल्दी क्लोज करनी है और उस बंदे के साथ क्लोज करनी है जो बंदा उस प्रोफाइल के लिए बेस्ट फिट है। तो ये चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। आपको अपने CV पे रियली काम करने की ज़रूरत है। वो जो करियर ऑब्जेक्टिव है उसे उठा के फेंक दो, डिलीट कर दो, हटा दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।